नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोजाना आपको साइंस का वर्क करा रहा हूं और मुझे बेहद खुशी है कि इसका लाभ हमारे काफ़ी विद्यार्थी ले रहे हैं। इसी के साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कुछ बाहरी विद्यार्थी जो अलग कॉलेजों से हैं, विभिन्न क्लासेजों का लाभ ले रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी एक दो दिन के लिए मैं आपको साइंस से हटकर कुछ प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से, कुछ नियमों से आपको अवगत कराऊंगा, ताकि इनको आप अपने सामाजिक जीवन में उतारें, इससे प्रेरणा लें। क्योंकि विद्यार्थियों, आप जानते भी होंगे कि हम रोजाना कॉलेज में जाते हैं, रोजाना स्कूल में आते हैं, और आपको 30 से 40 मिनट के बीच में प्रेयर में ही बैठा लिया जाता है। आप जानते होंगे कि वहां पर बैठकर आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। हमारे गुरुओं द्वारा, प्रधानाचार्य जी द्वारा आपको जीवन से जुड़ी हुई कई बातें सिखाई जाती हैं, कई बातें बताई जाती हैं। उनमें सभी विद्यार्थी ऐसा नहीं है ध्यान देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सभी उसका पालन भी करते होंगे। लेकिन विद्यार्थी, और लॉकडाउन की स्थिति में आपको पूरी तरह घर रहकर सब कुछ सीखने का अवसर मिला है, और ये बात भी तय है कि आप किसी चीज को, किसी पाठ्यक्रम को, किसी सब्जेक्ट को अपने आप ही कितना सीख रहे हो। इम्पोर्टेंट ये नहीं है। दूसरा, जो हम प्रेयर में नई नई बातें सीखते हैं, नई नई जानकारी हमें मिलती है, क्योंकि आपको पता भी होगा जीके के क्वेश्चन भी हमें वहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों से संबंधित होते हैं। हमारे उन विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इनका इन क्वेश्चनों का पालन का इनको याद करते हैं और इनको नोट करते हैं। तो चलिए, मैंने आपको आज इसलिए अपने एजुकेशन सिस्टम से रोका है कि आपको मैं प्रेरणादायक बातें बताकर आपको प्रेरित कर सकूं, आपको सामाजिक ज्ञान दे सकूं थोड़ा सा। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है आप मेरी बात बहुत शांति से नोट करेंगे, दिमाग में लिखने वाली बात नहीं है। तो आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा यातायात के नियमों को लेकर। सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं सभी जानते होंगे कि प्रधानाचार्य जी द्वारा समय समय पर हमें बातें बताई जाती है कि हमें सड़क पर कैसे चलना है। तो मैं भी आज आपको एक दो बात अपनी वॉइस के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपने एक दो दिन यदि आप घर से बाहर निकले हो तो देखा होगा कि रोड पर जो वाहन वाले हैं वो बहुत ही तेजी रफ्तार से अपनी गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें रोड पर चलते समय ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला हमें बचाएगा। अक्सर गलतियां तभी होती है जब हम अपने आप को सामने वाले के भरे से छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला भी अंधा हो सकता है। किसी ने कहा भी है कि भैया, सामने वाले को एकदम अंधा मानकर चलिए आप। अपना बचावा हमें खुद ही करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम भी रोडों पर देखते हैं आपके जैसे जो बालक हैं, उनको एक दो दिन के लिए बाइक मिल गई और रोड पर दौड़ाना शुरू कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमेशा सामने वाले को अपने आप ही बचाकर चलिए, उनसे भी बचकर चलिए। क्योंकि अक्सर बड़ी दुर्घटना तभी होती है जब हम सामने वाले के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं कि वही देख लेगा बस, हमें तो भैया कुछ नहीं करने की जरूरत है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गलती से हमारी साइड पे सामने वाला आ जाता है, तो हमें अपनी सड़क से नीचे उतर जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वही हमें बचाएगा, तो हमें खुद ही इसका ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों,
कि अपना बचावा हमें खुद ही करना है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपसे जाने अनजाने में इस तरह की गलतियां हुई हो तो आप आगे से ऐसा नहीं करोगे। दूसरा, हमें अपने हमेशा जो जेब वाला हाथ है, ये वाला, आपको लेफ्ट राइट याद रखने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा जेब का ध्यान रखिए और हमेशा इसी ओर चलिए, अपनी जेब देख लो और बस अपनी जेब की तरफ ही, अपने हाथ की तरफ ही रहो। प्यारे विद्यार्थियों, रोड पर चलते समय हमें और भी बातों का ध्यान रखना होता है, सामने वाले के अलावा। जैसे कि जब हम चलते हैं विद्यार्थियों, अपने होशो हवासों में चलने की ज़रूरत है। होशो हवासों का मतलब है कि अगर हम चल रहे हैं, पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, गाड़ी से चल रहे हो, तो ये नहीं है कि हम फोन पर लग जाए। कई बार प्यारे विद्यार्थी दुर्घटना कारण फोन बन जाता है। हम अक्सर अपनी नाड़ को यूं मोड़ लेते हैं और बातों में लगे रहते हैं, अब पता नहीं चलता कि सामने क्या दुर्घटना हो। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारा कोई अर्जेंट कॉल हो या बहुत जरूरी फोन उठाना हो तो आप अपने वाहन को साइड में लेकर फोन सुन सकते हैं, लेकिन कभी भी आप चलते वाहन पर बात मत कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, नियम साइकिल पर भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि साइकिल को छोड़कर, यदि आप पैदल भी चल रहे हो, मेरा ऐसा मानना है खुद का कि यदि हम पैदल भी किसी बहुत ज़्यादा तेजी से चलने वाले रोड के आसपास चल रहे हो तो वहाँ भी हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम वहाँ अलर्ट रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम चल रहे हैं पैदल और हमारा ध्यान पूरा फोन पर लगा हुआ है, तो विद्यार्थियों कई बार दूसरे वाहन के कारण ही दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको एक बात और बता दूं जो जीवन से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है हमारी पृथ्वी पर सबसे इंटेलिजेंट जीव जंतुओं में आता है, हालांकि जीव जंतु ही है लेकिन सबसे होशियार है। फिर भी हम इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसी कैसी होशियारी है हमारी कि हमें अपने जीवन को बचाने का ही नहीं पता। सोचिए जरा, होशियारी का मतलब है कि जब हम हर काम बहुत ही होशियारी से करें। आपको भी मालूम होगा हमारे देश में लाखों लोग, अगर एक माह की बात करें तो लाखों लोग दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं, अपने परिवारों वालों को छोड़ जाते हैं। उनके बारे में सोचिए, जिन घर वालों को, जिन परिवार वालों को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्या होगा उनका यदि हमारा जीवन, चलो मृत्यु की तो बात छोड़िए, यदि हमारे शरीर में कोई अंग चुटियल हो जाए, टूट जाए, तो विद्यार्थियों जो हड्डी में एक बार जॉइंट आ जाता है, अगर हम बायो के हिसाब से बात करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जुड़ तो जाती है लेकिन उस अंग को कहीं ना कहीं जीवन भर के लिए ही नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यातायात के नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। मैं आपको यहाँ नियम नहीं समझा रहा हूँ विद्यार्थियों, मैं आपको केवल जागरूक करने के लिए आया हूँ ताकि आप अपने जीवन को, अपने समाज को और अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नागरिक बना सको। प्यारे विद्यार्थियों, हमें समाज के नियमों में रहकर जीना पड़ता है और उनके जो सभी नियम है, जो उनके अनुसरण है, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमें यातायात से संबंधित हर बातों से अलर्ट रहना चाहिए। इसमें एक बात और है जो जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा एक दो दिन पहले एक पोर्टल जारी किया गया है, जिसमें एक विद्यार्थियों के लिए 7 दिनों तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक पोस्टर पर, एक चार्ट पर या एक कागज पर यातायात से संबंधित जागरूक अभियान चलाना है और उसका फोटो खींचकर ग्रुप पर सेंड करना है।
उस पर आपका नाम भी होना चाहिए और इसको प्रशासन के पास भेजा जाएगा कि आप इस बात के प्रति कितने जागरूक हो। कई बार विद्यार्थी ऐसा होता है जब हम मोड़ पर चलते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये मोड़ है, मैं आपको एक बहुत ही छोटे से डायग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों आपको बताता हूं कि मोड़ों पर दुर्घटनाएं कब और कैसे हो जाती है अचानक। देखिए जरा, जब आप अपने इस साइड में आ रहे होते हैं, ठीक है जी, तो हम यहां की बजाय हम यहां मुड़ते हैं, समझ पा रहे होंगे। आप सोचिए जरा, हमें इधर से दिखाई नहीं दे रहा है तो भला यहां अगर कोई दूसरा वाहन हो तो क्या होगा। दूसरों के बारे में नहीं सोचने के लिए कह रहा हूं, अपने बारे में सोचने के लिए कह रहा हूं कि हमारे साथ वहां कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, क्या हो सकता है। सिर्फ एक या दो मिनट की बात है या मुश्किल से सेकंडों की बात होती है ऐसा करने में। प्यारे विद्यार्थियों, मोड़ पर मुड़ते समय हमें अपने वाहन का अगर हॉर्न हो तो उसको बजाना चाहिए और स्पीड जो है कम से कम रखनी चाहिए, खासकर जब हमें कम से कम 100 मीटर का रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, अपनी स्पीड को बहुत ही कम रखना चाहिए और हॉर्न का उपयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं साइकिलों से भी हो जाती है, जब हम साइकिल को यूं मोड़ते हैं तो हमें सामने वाले का पता नहीं चलता कि सामने वाला अपनी साइड पे है, तो उस बात से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो उम्मीद है ये बात जो मैंने आपको समझाई है, जो आपको बातें बताई है, इसको आप अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारेंगे, निश्चित रूप से नोट करेंगे और मेरे द्वारा बताई गई बातों को ठीक वैसा ही समझेंगे जैसा आप प्रेयर में रोजाना विद्यालय में सीखते हो। हमें एक दो दिन में आप अपने चार्ट या आपके पास जो कोई नोटबुक ड्राइंग पेज हो उस पर यातायात के कोई नियम का पालन करके दुर्घटना एक्सीडेंट का कोई फोटो, इस तरह के कोई डायग्राम बनाकर उस पर अपना नाम, रोल नंबर, पिता का नाम लिखकर, माता का नाम लिखकर उसको ग्रुप में सेंड करेंगे, ग्रुप आपके लिए खोला जाएगा। उम्मीद है कि आप इनका नियमों का पालन, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और स्वयं भी जागरूक होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।